There are three types of rocks, that is igneous, sedimentary and metamorphic. I told you the formation of igneous and sedimentary rocks in the last lecture, but due to the technical problem, you were not able to understand the concept clearly. So we will take the recap. First of all, igneous rocks. Igneous words comes from the word ignis, means fire. Igneous word से ये जो है निकला है, जिसका मतलब है फायर. दैट इज लैटिन वर्ड. इट मींस इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द फायर, नॉट एग्जैक्टली फायर, इट इज फॉर्म्ड बाय द मोल्टन मैग्मा. जब मोल्टन मैग्मा, व्हेन द मोल्टन मैग्मा कम्स ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ ड्यूरिंग द वोल्केनिक इरप्शंस, व्हेन इट कम्स ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ, इट came into the contact of atmosphere. ये किसके कॉन्टेक्ट में आता है? एटमोस्फेयर के कॉन्टेक्ट में आता है. अब यहाँ पर जब वो ओपन एटमोस्फेयर में आता है, then it begins to cool down and solidify and converted into the rocks. That is called igneous rocks, because these igneous rocks occurred first time over the surface of the earth, so it is also known as primary rocks. इसे हम क्या कहते हैं? Primary rocks भी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले इस rocks की formation होती है. ये तो हुई surface के बाद, but it is also formed inside the surface also. Suppose कि ये surface है earth का. मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जो वेन्स होती है, समटाइम वेन्स इरप्टेड, कि ये जो वेन्स है वो क्या हो जाती है? ब्लॉक्स हो जाती है, जिससे मैग्मा सरफेस तक नहीं पहुंच पाता और वो क्या करता है, यहीं पर जो है इनसाइड द सरफेस जो है वो डिफरेंट शेप्स में क्या होने लग जाता है? सॉलिडिफाइड होने लग जाता है, कूल डाउन होने लग जाता है, और इससे इनसाइड द अर्थ भी क्या होती है? रॉक्स की फॉर्मेशन होती है. एग्जाम्पल किया था हमने बेसाल्ट, तो यहाँ पर जो है इस तरीके की रॉक्स भी हमारी क्या है? इग्नियस रॉक. तो इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म इनसाइड द अर्थ और ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ, बोथ टाइप से जो है ये इसकी फॉर्मेशन होती है. अब इसमें जो इग्नियस रॉक्स है उसको हम सब डिवाइडेड करते हैं, इसको टू टाइप्स में हम सब डिवाइडेड करते हैं अकॉर्डिंग टू द टेक्सचर. टेक्सचर जो है इसके बेसिस पर हमें इसे दो पार्ट, दो इसके दो सब डिवीजन है. ये जो टेक्सचर है वो इसका कहाँ से आता है? इसके क्रिस्टलाइजेशन से, कि जब मैग्मा जो है वो कूल डाउन हो रहा है, यानी जब लावा जो है वो कूल डाउन हो रहा है, तो उसके क्रिस्टल किस तरीके से फॉर्म होते हैं. अब ये जो क्रिस्टल की फॉर्मेशन है वो इसके किस पर डिपेंड करती है? कूलिंग टाइम पर. टेक्सचर जो है वो किस पर डिपेंड करेगा? कूलिंग टाइम. कूलिंग टाइम जो है वो किसको डिपेंड करता है? क्रिस्टलाइजेशन जो है इसका उसको इफेक्ट करता है, यानी उसमें कण जो है वो कितने बड़े या छोटे होंगे. इट कैन बी फाइन, इट कैन बी कोर्स और मीडियम. किसी भी तरीके के जो है क्रिस्टल हमें इग्नियस रॉक्स में मिल सकते हैं. बहुत छोटे बारीक कण भी मिल सकते हैं, कोर्स मोटे भी मिल सकते हैं, और मीडियम साइज भी मिल सकते हैं. इट ऑल डिपेंड अपॉन द कूलिंग टाइम ऑफ द लावा. अब कूलिंग टाइम क्या है? अगर कूलिंग टाइम जो है वो हमारा ज्यादा है, यानी काफी देर में जो है मैग्मा या लावा जो है वो सॉलिडिफाइड होता है, ठंडा होता है, अगर हमारा ये कूलिंग टाइम जो है वो लार्ज है, तो हम क्रिस्टल भी क्या होंगे? लार्ज होंगे. अगर कूलिंग टाइम जो है वो हमारा लेस है, तो क्रिस्टल भी जो है वो क्या होंगे? स्मॉल होंगे. अगर लावा जल्दी जम रहा है तो क्रिस्टल की फॉर्मेशन कैसी होगी?
स्मॉल क्रिस्टल फॉर्म होंगे रॉक्स के, और अगर कूलिंग टाइम जो है यानी लावा जल देर से जम रहा है तो क्रिस्टल की फॉर्मेशन कैसी होगी, लार्ज फॉर्मेशन होगी। दिस इज ऑल अबाउट द इग्नियस रॉक्स। नेक्स्ट कम टू द सेडिमेंटरी वर्ड्स, ऑल्सो कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेडिमेंटम। सेडिमेंटम इट मीन्स लेयर्स। इसका मीनिंग क्या है, लेयर्स यानी सेटलिंग। सेटलिंग ऑफ लेयर्स हम कह सकते हैं इसको, कि सेडिमेंटम यानी जो सेडिमेंट मीन्स क्या होता है कि किसी भी चीज के बचे हुए टुकड़े है ना, तो उसको हम क्या कहेंगे, सेडिमेंट्स। अब ये सेडिमेंट्स जब लेयर्स में सेटल डाउन हो जाते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, सेडिमेंटरी रॉक्स। अब ये सेडिमेंट्स आते कहां से, जो हमारे एजेंट ऑफ डेन्यूडेशन है, एजेंट ऑफ डेन्यूडेशन, डेन्यूडेशन मीन्स कि जो तोड़ने फोड़ने का काम करते हैं रॉक्स को, ब्रेकिंग का, रॉक्स ब्रेकिंग का काम करते हैं। अब ये जो एजेंट है वो हमारे मेनली फाइव एजेंट्स हैं। सबसे पहले है हमारा वाटर, रिवर वाटर जिसको हम कहेंगे रिवर वाटर, ग्लेशियर, वेंट, ग्राउंड वाटर और सी वेव्स। ये पांच जो एजेंट्स हैं दैट इज कॉल्ड एजेंट्स ऑफ डेन्यूडेशन। अब ये जो पांचों एजेंट्स हैं इनका वर्क अपने अपने रीजन में होता है, ठीक है। रिवर वाटर का और ग्लेशियर का वर्क जो है वो हिली एरिया में डोमिनेंट होता है, विंड का जो है ड्राइड एरियाज में होता है, ग्राउंड वाटर जो है वो हमारे प्लेन एरियाज में आ गए या हमारे कैल्शियम रॉक्स में आ गए, सी वेव्स ऑब्वियसली कोस्टल एरियाज में। तो ये अपने अपने एरियाज में वर्क करते हैं और वहां की रॉक्स को ब्रेक करने का काम करते हैं। एज यू नो कि वाटर और विंड इन सब में जो है वो बहुत ज्यादा एनर्जी होती है और ये किसी भी चीज को इजिली जो है वो तोड़ देते हैं। धीरे धीरे जब वो चीज फोर्स एक ही जगह अप्लाई होती है तो वो क्या करते हैं, जो भी रॉक्स उनके रास्ते में आती है उनको ब्रेक करने का काम कर देती है। जैसे ही यहाँ पर फोर्स क्योंकि वाटर की ज्यादा होती है, स्लोप क्योंकि स्टीप है, जैसे ही जेंटल स्लोप में आएंगे तो यहाँ पर उसकी फोर्स कम हो जाएगी और वो इन सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करना शुरू कर देंगे। तो सेडिमेंट्स जो है पहले एक लेयर आई, फिर दोबारा पानी अपने साथ सेडिमेंट्स लेकर आया, फिर दूसरी लेयर आई, इस तरीके से सो ऑन, ये लेयर्स पर लेयर्स आती रहती है। अब ये जो लेयर्स पर लेयर्स आ रही हैं, ऊपर की लेयर नीचे की लेयर को जो है दबाती जा रही है। अब ये क्या हो गई, इससे क्या होगा, इसमें जो ये लेयर्स हैं वो क्या हो जाएंगी, कॉम्पैक्ट हो जाएंगी, यानी यहाँ पर कॉम्पैक्शन आ जाएगा। ऊपर की लेयर क्या करती है, इनको कॉम्पैक्ट करती है और इस तरीके से ये जो लेयर्स हैं वो इसमें कन्वर्ट हो जाती हैं सॉलिड मटेरियल में, जिसको हम क्या कहते हैं, सेडिमेंटरी रॉक्स। और इस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, लिथिफिकेशन। दैट प्रोसीजर वेयर द रॉक्स कन्वर्टेड ड्यू टू द कॉम्पैक्ट फोर्स ऑफ अपर लेयर्स, दैट इज नोन एज लिथिफिकेशन। अब ये जो प्रोसेस है वो हमें सेडिमेंटरी रॉक्स का जो प्रोसेस है वो तीन टाइप से हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले इसमें आता है मैकेनिकल। मैकेनिकल मैंने आपको अभी डिफाइन किया कि जहां पर डेन्यूडेशन वर्क होता है मैकेनिकली जो है वो सेडिमेंटरी रॉक्स बनती है। एक तो हो गया हमारा मैकेनिकली फॉर्म्ड, जिसमें कि मैंने अभी आपको बताया कि किस तरीके से फॉर्मेशन होती है। दूसरा है हमारा ऑर्गेनिकली। ऑर्गेनिकली जो है कैसे सेडिमेंट फॉर्म्ड होते हैं, दैट इज रिलेटेड टू द डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड समटाइम्स ह्यूमन बीइंग्स। जो भी हमारे जो है लिविंग थिंग्स है उनके डेड रिमेन्स जो है वो that buried into the deep inside the earth and later on they converted into the solid part that is called sedimentary rocks, like our coal, petroleum, that is a coal,
इज अ फॉर्म ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। इसी तरीके से जो हमारा चॉक है, लाइमस्टोन है, दैट इज ऑल्सो फॉर्म्ड बाय द ऑर्गेनिक मेटर। चॉक, लाइमस्टोन, These are the some of examples of organically formed sedimentary rocks. Now, mechanically का आप example दे सकते हो बेटा, sandstone, shale, ये जो है वो हमारे किससे बनती है, mechanically formed होती है। Third type is chemically formed. Chemically formed जो है वो हमारा केमिकली फॉर्म, यहाँ पर फॉर्मेशन ऐसे होती है कि जो केमिकली जो है केमिकल्स जो है वो जमना शुरू करते हैं। अब वो कैसे होते हैं, मैंने आपको एग्जांपल दिया था जो राजस्थान है, राजस्थान में हमें पलायास मिलते हैं। पलायास क्या है कि राजस्थान का कोई भी डिप्रेशन एरिया जब वो थोड़े टाइम जैसे ही रेनफॉल होता है वो पानी से भर जाता है, जिसको हम लेक देखते हैं, और वो पलायास कहलाते हैं क्योंकि कुछ ही टाइम बाद उसमें से वाटर जो है डिसअपियर हो जाता है। अब इनमें डिसअपियर का कारण क्या है, क्योंकि एरिड रीजन जो है वहां पर क्या होता है, इवेपोरेशन ज्यादा होता है। इवेपोरेशन होने के कारण सपोज ये कोई वाटर बॉडी है दैट इज फुल ऑफ वाटर, अब यहाँ पर क्या हुआ, सनलाइट पड़ रही है, सनलाइट से ये जो पानी है वो क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। अब इस इवेपोरेशन के कारण पानी तो इवेपोरेट हो गया लेकिन उसमें जो मिनरल्स हैं, जो साल्ट है, वो क्या रह जाएंगे, वो यहीं पर डिपॉजिट रह जाएंगे। और इस तरीके से ये जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूटी में रहता है, और ये जो केमिकल्स है यानी साल्ट है वो यहाँ पर डिपॉजिट हो जाते हैं और लेटर ऑन ये किस में चेंज हो जाते हैं, रॉक्स में, जिसको क्या कहते हैं, केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। इसी तरीके से जो है हमारे अंडरग्राउंड वाटर भी यही वर्क करता है कि अंडरग्राउंड वाटर क्या करता है कि जब अर्थ सरफेस से नीचे रिसता है तो पानी वहां से जो है नीचे से चला जाता है, पानी तो टपक गया लेकिन उसके साथ जो साल्ट होते हैं वो अर्थ के रूफ के साथ लटके रहते हैं। तो इससे क्या होगा, जैसे कि ये अर्थ सरफेस है, यहाँ से पानी जो है वो नीचे जा रहा है, पानी नीचे चला गया लेकिन इसके अंदर जो साल्ट है वो समटाइम्स यहाँ पर फुल जो है डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं, और इस तरीके से रॉक्स की फॉर्मेशन हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, केमिकली फॉर्म्ड रॉक्स। इस तरीके के जो एग्जांपल हैं हमें मिलते हैं, लाइमस्टोन इसका एक एग्जांपल है, हैलाइट है, पोटाश है, ये सारे जो है वो केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स है। नाउ कम टू द मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स यहाँ पर जो है, अगर हम इस वर्ड को स्प्लिट करें तो यहाँ दो वर्ड हमारे पास आते हैं, मेटा और सेकंड आता है मॉर्फिक। तो यहाँ पर मेटा का मीनिंग है चेंज एंड मॉर्फिक का मतलब है इट मींस चेंज एंड इट मींस फॉर्म्स, रॉक्स की फॉर्म में चेंज आना, कि जो ओरिजिनली जो रॉक बनी है चाहे वो इग्नियस रॉक्स हैं या सेडिमेंट्री रॉक्स है, जैसे ही उनकी फॉर्मेशन हो रही है उनकी अगर किसी वजह से उनकी फॉर्मेशन में चेंजेस आ जाते हैं, किसी भी तरीके के चेंजेस हो सकते हैं, तो मैकेनिकली चेंजेस भी हो सकते हैं इसमें और केमिकली चेंजेस भी हो सकते हैं। तो किसी भी अगर कोई भी रॉक है, कोई भी इग्नियस या सेडिमेंट्री रॉक्स है, अगर उसकी फॉर्म चेंज हो जाती है तो उसे हम क्या कहेंगे, मेटामॉर्फिक रॉक्स। उसने अपनी ओरिजिनल फॉर्म को जो है उसको छोड़ दिया और उसकी चेंज हो गई। अब यहाँ पर जो मेटामॉर्फिक रॉक्स है, इट मींस दैट इसकी जो इनके इसपे फॉर्म में चेंजेस आएगा, ये चेंजेस जो है वो उनके टेक्सचर में भी आ सकता है, कुछ भी चेंज आ सकता है, टेक्सचर चेंज हो सकता है, उसका कलर चेंज हो सकता है, उसकी हार्डनेस चेंज हो सकती है, हार्डनेस और सॉफ्टनेस जो है उसकी चेंज हो सकती है इन रॉक्स की, ऐसे ही जो है इसकी मिनरल कॉम्पोजिशन है वो चेंज हो सकती है,
तो इस तरीके से कोई भी चेंजेस किसी भी तरीके का अगर ओरिजिनल रॉक में चेंज आता है तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, ये नहीं कि पूरी ही रॉक चेंज हो जाती है, उसका कोई एक पार्ट चेंज हो सकता है। पार्ट मीन्स उसका कोई एक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो सकता है, उसका टेक्सचर चेंज हो सकता है, कलर, हार्डनेस, मिनरल कॉम्पोजिशन, ये कुछ भी इसका चेंज हो सकता है। तो दैट वुड बी कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब ये जो चेंजेस हैं वो किसके कारण आएंगे, दो रीजंस हैं इसके। हीट, फर्स्ट इज हीट एंड सेकेंड इज प्रेशर। हीट एंड प्रेशर, इन दो कारणों से जो है वो क्या हो जाती है, जो रॉक्स हैं वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। कभी कभी रॉक्स जो है वो पार्शली चेंज होती हैं और कभी जो है ये कंप्लीटली चेंज हो जाती हैं। तो इट मीन्स कि कभी इसका एक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो सकती है या फिर कभी पूरी तरीके से ही रॉक में जो है चेंजेस आ जाते हैं। तो ये है हमारी मेटामॉर्फिक रॉक्स। इट कैन बी क्लासिफाइड ऑन टू बेसिस। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, what are metamorphic rocks and classification of metamorphic rocks. ab classification agar hum iska kare, we can classify the metamorphic rocks ko hum two jo hai broad groups mein classify kar sakte hain. that is, first is cataclastic. Cataclastic metamorphic rocks and second is recrystallized rocks. Recrystallized rocks. So two broad classification hai, cataclastic aur dusra recrystallized rocks. Come to the first one. क्लास्टिक मेटामॉर्फिक रॉक्स, ये जो मेटामॉर्फिक ये जो चेंजेस आते हैं वो किसके कारण आते हैं, जब इग्नियस और सेडिमेंटरी रॉक्स उसमें मैकेनिकली चेंजेस आते हैं। इट इज ड्यू टू द मैकेनिकल वॉक, जो मैकेनिकल चेंजेस आते हैं रॉक्स में उसके कारण जो उसे हम क्या कहते हैं, कैटाक्लास्टिक। अब ये जो है मैकेनिकल चेंज का मतलब मैंने आपको सेडिमेंटरी में बताया था, मींस ब्रेकिंग और क्रशिंग। कि रॉक्स जो है वो कभी कभी टूट जाती हैं या क्रश यानी चूरा में यानी फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। अब मैकेनिकली क्योंकि इस पर जो है जो वर्क किए जा रहे हैं डेनुडेशन के एजेंट, तो ये जो है कंटिन्यूस प्रोसेस है, इसलिए इसे हम डायनामिक मेटामॉर्फिक हैं। इसे हम क्या कहते हैं, डायनामिक मेटामॉर्फिज्म। जो कंटिन्यूटी में ये चलता रहता है प्रोसेस, इसलिए इसे हम डायनामिक मेटामॉर्फिज्म भी कहते हैं, क्योंकि डेनुडेशन जो एजेंट है वो अपना वर्क कंटिन्यूअसली करते रहते हैं, जिससे वहां पर क्या होता रहता है, रॉक्स में चेंजेस आते हैं। अब सबसे पहले ये होता कैसे है कि जैसे कि कोई भी जो मेटामॉर्फिज्म है ये वो किसके कारण होता है, प्रेशर के कारण। अब प्रेशर के कारण क्या हुआ कि जो ओरिजिनल फॉर्म हुई सेडिमेंटरी रॉक्स या इग्नियस रॉक्स फॉर्म हुई, उस पर ऊपर की लेयर्स का क्या होता जाता है, प्रेशर होता जाता है। हमने दो रीजन पढ़े थे ना इसके, कि एक तो हीट पड़ा था, दूसरा प्रेशर। दो रीजन से जो है मेटामॉर्फिक रॉक्स की फॉर्मेशन होती है। तो ये जो है वो किसके कारण होता है, प्रेशर। जो ऊपर की लेयर्स हैं वो अपना प्रेशर डालती हैं और इससे क्या होता है कि जो रॉक्स की फॉर्म भी टोटली बहुत सालों बाद, मिलियन ईयर्स बाद, ईयर आफ्टर मिलियन ऑफ ईयर्स द रॉक चेंज्ड फुली, कि रॉक्स जो है वो क्या हो जाती हैं, पूरी तरह से चेंज हो जाती हैं। जैसे कि ग्रेनाइट जो है वो गनीस में कन्वर्ट हो जाता है, सबसे पहले ग्रेनाइट बना, ग्रेनाइट इग्नियस रॉक्स है
और इस पर प्रेशर जब ऊपर की लेयर्स का आता रहता है दैट कन्वर्ट्स इनटू ग्रीस। ठीक है, तो इस तरीके से ग्रेनाइट जो है वो कंप्लीटली चेंज होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्रीस में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरीके से जो क्ले है, क्ले की फॉर्मेशन होती है, क्ले जो है वो किस में चेंज होता जाता है, अंडर द प्रेशर इट कन्वर्टेड इनटू शेल। इस तरीके से ही हमारा जो शेल है, शेल जो है, शेल ट्रांसपोर्ट, सॉरी, क्ले एंड शेल ट्रांसपोर्ट इनटू शिस्ट। तो ये जो रॉक्स हैं वो हमारे ड्यू टू द प्रेशर दे कन्वर्ट फुली इनटू एंड अदर टाइप ऑफ रॉक्स, ग्रेनाइट ग्रीस में, क्ले एंड शेल शिस्ट में। तो इसको हम क्या कहेंगे, मैकेनिकल वर्क, इट इज ड्यू टू द प्रेशर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डायनामिक मेटामॉर्फिज्म बिकॉज इट कंटिन्यूज थ्रू द थ्रू आउट द ईयर्स। नाउ सेकेंड इज रिक्रिस्टलाइज रॉक्स। रिक्रिस्टलाइजेशन इट इज ड्यू टू द हीट प्रोसेस। हीट मीन्स क्या होगा, टेम्परेचर हो गया, है ना, ये हीट किससे आएगी, टेम्परेचर से ही आएगी। तो यहाँ पर जो है रिक्रिस्टलाइज, इसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि जो रॉक्स के क्रिस्टल हैं, जो ओरिजिनली फॉर्म हुए उन क्रिस्टल्स में चेंजेस आना, वो दोबारा क्रिस्टलाइज हो जाते हैं और कुछ और जो है वो आकार या साइज ले लेते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, रिक्रिस्टलाइज रॉक्स। इट कैन बी डिवाइडेड इंटू टू टाइप्स, इसको हम दो पार्ट में जो है, इसके दो सब टाइप्स है रिक्रिस्टलाइज के। सबसे पहले है कॉन्टेक्ट रिक्रिस्टलाइज रॉक्स या मेटामॉर्फिक रॉक्स, एंड सेकेंड इज रीजनल मेटामॉर्फिक रॉक्स। रिक्रिस्टलाइज कैन बी सब डिवाइडेड इंटू टू टाइप्स, कॉन्टेक्ट एंड रीजनल। अब कॉन्टेक्ट क्या है, देखो कि हमने कहा कि जो इग्नियस रॉक्स की फॉर्मेशन होती है वो कैसे हो रही है, जब लावा मीट हो रहा है, लावा मीट होता है तो वो सॉलिडिफाइड हो जाता है और क्या हो जाता है कि वो रॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है और हमारी प्राइमरी रॉक्स हो जाती है। लेकिन ऐसा तो नहीं कि एक ही बार लावा निकल रहा है या एक बार रॉक बनने के बाद लावा जो है वो निकलना बंद हो गया, ऐसा तो नहीं होता ना, क्योंकि हमने वोल्केनो पढ़ा था कि कुछ वोल्केनोज जो है वो क्या है, जो फ्रीक्वेंटली इरप्ट करते रहते हैं। अब वहां से जो लावा निकल रहा है, सपोज कि एक बार हमारे रॉक की फॉर्मेशन हो, ये हमारे इग्नियस रॉक्स बन गए, अब इसी जगह पर जो है दोबारा लावा इस पर आएगा। अब ये लावा जो है वो क्या है, बहुत ही हाई टेम्परेचर है, दोबारा से ये जो लावा है वो क्या है, बहुत ही हाई टेम्परेचर पर हर बार निकलता है। तो ये जो हाई टेम्परेचर है वो इसके आसपास के एरिया पर जो रॉक्स होती हैं उस पर आएगा और दोबारा से इसको मेल्ट करके दोबारा रिक्रिस्टलाइज कर देगा। तो इस एरिया को हम लेते हैं 2 किलोमीटर का एरिया, वोल्केनिक इरप्शन के नियर जो 2 किलोमीटर का एरिया है उस पर लावा जाता है, तो दोबारा से ये रॉक्स जो है वो मेल्ट हो जाती है, यानी उनमें दोबारा से केमिकली चेंजेस आते हैं ड्यू टू द हीट। ड्यू टू द हीट दोबारा से केमिकल चेंजेस आएंगे। सपोज अब ये जो रॉक्स जो ओरिजिनली बनी थी उसके फाइन पार्टिकल थे, या हम ले लेते हैं इसके कोर्स पार्टिकल थे, यानी इसको जो है सॉलिडिफाइड होने में टाइम लगा था और ये पार्टिकल्स बहुत ही कोर्स थे इस रॉक्स के। दोबारा से लावा इसके ऊपर आया और जो ये लावा है वो जो है जल्दी से सॉलिडिफाइड हो गया। अब इस 2 किलोमीटर के एरिया की जो रॉक्स है उसके क्या हो जाएंगे, फाइन पार्टिकल्स हो जाएंगे, यानी फाइन क्रिस्टल्स हो जाएंगे। तो इट मीन्स ये क्या हो गए, कोर्स से फाइन क्रिस्टल में चेंज हो गया। तो जो रॉक्स वोल्केनोस यानी लावा के कांटेक्ट में आती है नियर अबाउट 2 किलोमीटर का एरिया हम इसमें लेते हैं, दैट चेंज्ड ड्यू टू द हीट, हीट के कारण वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है और उसके क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन दोबारा से हो जाती है, सो दे रिक्रिस्टलाइज्ड। तो दैट इज कॉल्ड कॉन्टेक्ट, जो लावा के कॉन्टेक्ट में आया, जितना पोर्शन रॉक्स का लावा के कॉन्टेक्ट में आया। अब इसमें दूसरा हमारा आता है रीजनल मेटामॉर्फिक रॉक्स। रीजनल मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या है, रीजनल मींस पूरा एक बड़ा एरिया,
ये तो हमने 2 किलोमीटर का एरिया कहा ना। अब दूसरी चीज है हमारी रीजनल, यानी कि पूरा एक लार्ज एरिया। व्हेन द रॉक्स ऑफ अ लार्ज एरिया रिक्रिस्टलाइज दैट इज कॉल्ड रीजनल मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब ये जो है, अब जो जो फोर्सेस हैं हीट की, वो क्या करती हैं कि धीरे धीरे बहुत अधिक जो हमारे डीप इनसाइड द अर्थ जो है, ये दोनों ही लार्ज एरिया पर अपना प्रेशर, अपना हीट जो है वो डालती हैं। मीन्स कि आप कैसे कह सकते हो कि जब यही हमारा रीजनल मीन्स ओवरऑल लार्ज एरिया, जब ये लार्ज एरिया ड्यू टू द हीट और टेम्परेचर, ये लार्ज एरिया रिक्रिस्टलाइज हो जाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, रीजनल मेटामॉर्फिक रॉक्स। इसी तरीके से जो हमारे क्वार्ट्जाइट रॉक है, वो हमारी क्या है, एक वेदरिंग रेजिस्टेंट रॉक है, बट इट रिक्रिस्टलाइज एंड इट इज यूज्ड फॉर ग्लास मेकिंग ऑल्सो। यहाँ पर इसका एक एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि जो हमने प्लेट बाउंड्रीज की थी, है ना। प्लेट बाउंड्रीज में क्या था कि जो हमने कन्वर्जेंट बाउंड्री की थी, कन्वर्जेंट बाउंड्री में आपको अगर याद हो वो डायग्राम, तो हमने बनाया था कि जो इस जिस प्लेट की फोर्स ज्यादा है वो दूसरी प्लेट को नीचे की ओर कर देती है, यही कन्वर्जेंट बाउंड्री हमने की थी। तो यहाँ पर जो है, यहाँ ये जो प्लेट है वो ज्यादा फोर्सफुल है और ये स्मॉलर प्लेट है, तो ये नीचे की ओर दब जाएगी। अब ये जो प्लेट है वो किससे बनी है, रिजिड पार्ट है, रॉक्स है, तो जैसे ही ये अर्थ के इनसाइड में जाएगी, ये पार्ट, ये इनसाइड एरिया है, तो यहाँ पर जाएगी, ये दोबारा से क्या हो जाएगी, अंडर द हीट चली जाएगी। इनसाइड द क्या है, फिर से हीट है, टेम्परेचर ज्यादा है, तो यहाँ पर जाने के बाद ये दोबारा से क्या हो जाएगी, रिक्रिस्टलाइज हो जाएगी। That is known as regional recrystallization. This is a broadly classification of the metamorphic rocks. Next is कि metamorphic rocks जो हैं, कई बार हमें जो उनके texture या उनके formation में changes आते हैं, उसके उसके लिए भी हम इसको दोबारा जो है classified करते हैं into two types, lineation. First is lineation और फॉलिएशन, जिसको हम कह सकते हैं लिनिएशन और फॉलिएशन, एंड सेकंड इज बैंडेड। दीज आर आल्सो टू टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स। वो जो हमने ब्रॉड क्लासिफिकेशन देखा वो हीट और प्रेशर के कारण था, ये हम देखेंगे सेटलिंग डाउन के कारण जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक्स में क्या चेंजेस आते हैं। सबसे पहले कि जो हमारा लिनिएशन का, लिनिएशन और फॉलिएशन, लिनिएशन और फॉलिएशन का मतलब क्या है कि जब इन द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फिज्म इन सम रॉक्स ग्रेन और मिनरल्स गेट अरेंज इन लेयर्स। जब जब मेटामॉर्फिज्म हो रहा होता है तो मिनरल्स जो है वो किसमें डिपॉजिट होते हैं, किस फॉर्म में, लेयर्स की फॉर्म में, एक लाइन की फॉर्म में। तो लेयर्स फॉर्मेशन हमारी क्या है, फॉलिएशन, एक लाइन के फॉर्म में जो है इसकी फॉर्मेशन होती है, दैट इज आल्सो कॉल्ड लिनिएशन। तो ये एक हमारे प्रोसेस है। दूसरा बैंडेड, कि जब हमारे सेडिमेंटरी या इग्नियस रॉक्स मेल्ट हो रही हैं, ठीक है, या फिर उसमें कुछ और मिनरल्स ऐड हो रहे हैं, जब लावा बाहर निकलता है तो कई बार उसकी कॉम्पोजिशन सेम नहीं होती, कि एक बार जब निकला तो उसमें सेम क्वांटिटी में मिनरल होंगे, दूसरी बार निकला तो फिर सेम क्वांटिटी में मिनरल्स होंगे। इट कैन बी डिफरेंट इन डिफरेंट इरप्शंस, ठीक है, तो मिनरल्स कैन बी डिफरेंट इन डिफरेंट इरप्शंस। तो जिससे क्या होती है, हमारे जो मेटामॉर्फिज्म होता है उससे हमारी जो ओरिजिनल रॉक की मिनरल कॉम्पोजिशन है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अब मिनरल कॉम्पोजिशन चेंज होने के कारण उसके किस में चेंजेस आएगा, कलर में चेंजेस आ जाता है। सपोज कोई रॉक है या सॉरी जो लावा एमिट हो रहा है उसमें आयरन कंटेंट ज्यादा है, तो वो इट मींस वो कैसा कलर शो करेगी, रॉक्स रेड कलर शो करेगी।
अब जिसमें आयरन कंटेंट कम है तो हो सकता है वो रफ हो या फिर उसमें कलर जो है वाइटनेस हो, कुछ ऐसे मिनरल्स हो, या फिर उसमें कोई और कलर जो है ग्रीन कलर या कोई भी कलर जो है मिक्स हो सकता है। तो यहाँ पर हमें जो है क्या दिखते हैं, डिफरेंट शेड्स जो हैं वो नजर आते हैं, जो कलर है वो डिफरेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या कहलाएंगे हमारे कि व्हेन द लेयर्स ऑफ द रॉक्स अपीयरिंग एज लाइट एंड डार्क शेड्स, लाइट एंड डार्क शेड्स डिफरेंट जो है उसमें शेड हमें नजर आते हैं, सच आर लाइट और सम आर डार्क। तो डिफरेंट लाइट एंड डार्क शेड्स अपीयर्स इन द रॉक्स ड्यू टू द रिक्रिस्टलाइजेशन और टू द मेटामॉर्फिज्म दैट इज कॉल्ड बैंडिंग, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बैंडिंग। सो दिस इज ऑल अबाउट द मेटामॉर्फिक रॉक्स। नाउ कम टू द रॉक साइकिल। आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो भी चीज जो अर्थ पर भगवान ने बनाई है वो बनती भी है और बिगड़ती भी है। जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स हैं, अगर हम जो है यहाँ बर्थ लेते हैं तो हमारे डेथ भी जो है वो सर्टेन है कि हमारी डेथ भी होगी। इसी तरीके से जो फिजिकल फीचर्स अर्थ सरफेस पर बनते हैं या इनसाइड द अर्थ बनते हैं वो भी परमानेंट नहीं है, वो भी बनते हैं और धीरे धीरे बिगड़ते भी हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो आज जो हिल्स हैं या माउंटेन्स हैं तो आज बहुत ऊपर तक पहुंच चुके होते। लेकिन जैसे कहा कि एक बार अगर हमने देखा कि कॉन्टिनेंट्स बने तो हिमालयस बने तो उसको डेन्यूडेट भी करता है रिवर वाटर, उसके एलिवेशन को थोड़ा कम भी करता है। तो इट मीन्स बहुत सारी चीजें, हमारा जो चैप्टर है 7th चैप्टर उसमें हम देखेंगे कि जितनी भी चीजें जितने भी लैंडफॉर्म्स बनते हैं वो धीरे धीरे जो है खत्म भी होते हैं। तो यहाँ पर भी रॉक साइकिल ऐसा ही है, हर एक चीज का यानी लाइफ का, चाहे वो फिजिकल फीचर्स की लाइफ है या फिर लिविंग बींग्स की है, उनकी लाइफ का एक साइकिल है कि वो बनता भी है और बिगड़ता भी है। तो इसी तरीके से रॉक्स जो है वो भी एक इसका एक पूरा साइकिल है। रॉक्स जो है वो हमने की तीन रॉक्स की, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। थ्री टाइप्स ऑफ रॉक्स जो है हमने की। इसमें सबसे पहले जो इग्नियस रॉक्स है, इग्नियस रॉक्स से किसकी फॉर्मेशन होती है, सेडिमेंट्री। जब ये डेनुडेट होती है तो वो क्या बनती है, किसमें कन्वर्ट हो जाती है, सेडिमेंट्री। इसी तरीके से इग्नियस रॉक्स पर जब लावा जो है वर्क करता है तो वो किसमें चेंज हो जाती है, मेटामॉर्फिक रॉक्स में। क्लियर। अब सेडिमेंट्री रॉक्स पर भी जब प्रेशर पड़ता है तो वो फिर से किसमें चेंज हो जाती है, मेटामॉर्फिक रॉक्स में। क्लियर कि इग्नियस से सेडिमेंट्री की भी फॉर्मेशन है और मेटामॉर्फिक की भी। अब यहाँ से सेडिमेंट्री रॉक्स भी किसमें कन्वर्ट हो जाती है, मेटामॉर्फिक में। अब आप ये कहोगे कि मेटामॉर्फिक रॉक्स इसका मतलब परमानेंट हुई, क्योंकि ये लास्ट नहीं बनी, इग्नियस और सेडिमेंट्री दोनों से बनी है तो ये लास्ट लॉन्ग लास्ट रहेंगी, बट ऐसा नहीं होता। मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है वो क्या होती है कि दोबारा से ये जो रॉक्स ऊपर की ऊपर 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 प्रेशर आता जाता है, धीरे धीरे ये रॉक्स जो है वो इनसाइड द अर्थ जो है वो जाना शुरू कर देती है। हाँ जी सर, मैम लास्ट टू। हाँ जी सर, ओके। इनसाइड द अर्थ जो है ये चली जाती है ड्यू टू द प्रेशर, ठीक है ना, ऑफ अपर लेयर। नीचे दबता जाएगा, नीचे दबता जाएगा, तो वो नीचे प्रेशर धीरे धीरे इनसाइड द अर्थ चल जाएगी और इनसाइड द अर्थ जाकर ये मेल्ट हो जाती है। मेल्ट होकर दोबारा से किसमें कन्वर्ट हो जाती है, मैग्मा में। मैग्मा फिर से जो है वो किसकी फॉर्म में आ जाता है, ऊपर, इग्नियस फॉर्म की। तो इस तरीके से ये पूरा एक रॉक साइकिल जो है वो चलता रहता है। स्टूडेंट्स इफ यू हैव एनी डाउट, वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर नाउ। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क एनी डाउट। Just raise your hands and ask your questions if you have any.
आंसर मी। आपको समझ आ गया बेटा? अगर आ गया है तो हाँ या ना आप बोलेंगे। कंसेप्ट क्लियर है सारा? यस मैम। यस मैम। ओके सो प्रिपेयर द नोट्स रिलेटेड टू द टॉपिक एज वेल एज आई एम सेंडिंग यू एंड द क्वेश्चन आंसर्स आल्सो। यू हैव टू राइट ऑल दिस इन योर प्रिपेयर नोटबुक। क्लियर? ओके मैम। ओके थैंक यू। हैव अ नाइस डे। हेलो। हाँ जी सर। जानवी। यस सर। तुम्हारी क्लास के वो स्टूडेंट्स नहीं आते क्लास में? इसमें बात सर हमें क्या पता। नो सर। रिकॉर्ड बंद कीजिए पहले।